नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज मैं बात करूंगा यूटीआई इन चिल्ड्रन या बच्चों में यूटीआई की प्रॉब्लम के बारे में। बच्चों में और बड़ों में यूटीआई काफ़ी फर्क होता है। बच्चों में अक्सर यूटीआई किसी यूरिन ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटी के कारण ही बनता है, इसलिए बच्चों में अगर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, ऐसे केसेस में घर पे बैठ के खाली दवाई देना उसका सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के उसका क्या कारण है वो जान लेना और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बच्चों में यूटीआई के लक्षण एडल्ट्स के बदले डिफरेंट होते हैं। एडल्ट्स में जितने कॉमन लक्षण होते हैं जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार आना, ये सब बच्चे अक्सर नहीं बता पाते। तो यूटीआई हमें एक प्रॉपर सस्पिशन के बेसिस पर और यूरिन के एग्जामिनेशन या टेस्ट कराकर डायग्नोस करना पड़ता है। बच्चों में यूटीआई किस तरह से प्रेजेंट करता है? ज़्यादातर बच्चों में यूटीआई खाली फीवर की तरह प्रेजेंट करता है, फीवर के साथ लथार्जी, जनरलाइज बॉडी फटीक, वीकनेस या फिर पुअर ओरल एक्सेप्टेंस, खाना पीना छोड़ देना, उल्टी आना, पेट में दर्द, जनरली बच्चा वीक या परेशान दिखे, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। अगर आप अपने पीडियाट्रिशियन को या डॉक्टर को दिखाते हैं ऐसे केसेस में, अगर उनको लगता है सस्पिशन यूटीआई का, तब वह आपको दवाई तो देंगे ही, साथ में यूरिन के टेस्ट कराएंगे जिसमें यूरिन एग्जामिनेशन या यूरिन कल्चर होगा, जिसमें पस सेल्स अगर सिग्निफिकेंट मात्रा में है या कल्चर में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तब हम इस चीज़ को यूटीआई लेबल कर सकते हैं। कई बच्चों में अगर ब्लैडर में पेन है तो वो नीचे की तरफ अपना हाथ ले जाएं, बार बार अपने प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ने की या खुजाने की कोशिश करें, पेशाब बार बार जाएं, पेशाब करते हुए उनके ब्लड आए या पेशाब करते हुए बच्चे रोना चालू कर देते हैं। कई बच्चे में पेशाब करने की तकलीफ की वजह से वो पेशाब करना ही बंद कर देते हैं और पेशाब ही नहीं कर जाते। तो ये सारे कारण जो है, ये सारे लक्षण जो हैं, ये यूटीआई के हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, बच्चों में यूटीआई पहली चीज़ तो है कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन को या अपने यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। दूसरा, उस चीज़ में उसका क्या कारण है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ बेसिक टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन या और कोई स्पेशल टेस्ट अगर ज़रूरी हो तो वो भी कराए जाएं। बच्चों में यूटीआई के, जैसे मैंने आपसे बात करी, यूरिन ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज़, किस तरह की यूरिन ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो बच्चों में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन करती हैं? कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ हैं जैसे कि पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें किडनी से लेके नीचे जो पेशाब का रिसाव होता है वहाँ पे रुकावट हो जाती है, बनावट का डिफेक्ट होता है और यूरिन किडनी से पूरी तरह फ्लो नहीं हो पाता। दूसरा, रिफ्लक्स डिजीज़ या वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लक्स, जिसमें ब्लैडर से पीछे किडनी की तरफ यूरिन जाता है यूरिन पास करते हुए और नीचे जो वैल्व होता है यूरेटर का वो खराब होता है। तीसरा, ब्लैडर डिसफंक्शन या न्यूरोजेनिक ब्लैडर, जिसमें ब्लैडर की एबनॉर्मलिटीज होती हैं, ब्लैडर में बहुत ही एबनॉर्मली हाई प्रेशर्स डेवलप होते हैं या ब्लैडर कमजोर होता है, यूरिन पूरी तरह से बाहर नहीं फेंक पाता। चौथा, स्टोन डिजीज या किडनी में या यूरेटर में या ब्लैडर में पथरी, ये सारे चीज़ें कॉमन कारण हैं यूटीआई होने का। जैसे मैंने बताया, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यूटीआई को ट्रीट करें और उसका कारण ढूंढ के उसको भी प्रॉपरली ट्रीट करें। घर में बैठे बच्चों को हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि अगर उनको, हमें लगता है सिम्टम है यूटीआई के, उसमें रिलीफ आए? सबसे ज़रूरी है कि अगर बुखार आता है तो बच्चों को क्रोसिन दे सकते हैं सिरप के फॉर्म में। क्रोसिन बुखार को भी कंट्रोल करता है और पेन को भी रिड्यूस करता है। दूसरा, बच्चों का पानी का इंटेक बढ़ाने की कोशिश करें, उनको आप जूसेस दे सकते हैं जैसे मौसमी का जूस या नारंगी का जूस या फिर नींबू पानी, नारियल पानी, ये सब चीज़ें दे सकते हैं जिससे उनको रिलीफ लगेगा। और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं। आपसे अनुरोध है कि अगर आप इसमें इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो अपने आप से बार बार एंटीबायोटिक थेरेपी चालू बिल्कुल ना करें। इसके दो नुकसान है, एक तो जैसे जैसे आप एंटीबायोटिक चालू करेंगे, अगर आप उसे प्रॉपर डोज और प्रॉपर ड्यूरेशन में नहीं दे रहे हैं तब उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। दूसरा, जो बीमारी जो उसका कारण है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं और अगर आगे वो बढ़ेगा तो बच्चों में किडनी डैमेज या ब्लैडर डैमेज भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, बच्चों में यूटीआई को सिंपली ना लें, यूटीआई को एडल्ट्स, बच्चों में और यूटीआई एडल्ट्स में फ़र्क होता है। यूटीआई अगर बच्चों में लगता है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।